अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो मेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल जब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएँ। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद सबको मालूम है कि एटलीस्ट जो है वो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 जो है वो वॉच आवर होने चाहिए, यानी कि 4000 घंटे जो है वो लोगों ने आपका चैनल देख लिया हो और उसके बाद उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम लड़के जो है वो यानी कि किसी का सॉन्ग यूज़ कर लेते हैं बगैर इजाज़त के या बाय यानी कि बगैर बाय किए, और उस वो जो होता है वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, या सम टाइम किसी की वीडियो चोरी करते हैं तो उस पर भी जो है वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। सम टाइम हमें पता नहीं चलता कि वो कॉपीराइट का इशू किसी वक्त भी बन सकता है। कभी कभी वो फ़ौरन पता चल जाता है, कभी कभी वो यानी कि बाद में पता चलना शुरू हो जाता है कि यार ये तो इशू बन गया है, और वीडियो फिर आपको डिलीट करनी पड़ती है। और उसके अलावा जो एक और चीज़ ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और यानी कि वॉच आवर भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन और यूट्यूब के एल्गोरिदम क्या करता है उसको जो है वो ड्रॉप कर देता है। आई डोंट नो द कि क्या रीज़न है इसकी कि वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो आपके वॉच आवर होते हैं वो क्यों ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ये हुआ कि मेरे यानी कि 4000 यानी कि वॉच आवर कंप्लीट हो गए और मुझे ईमेल आ गई, और उसके साथ ही जब मैं दूसरे दिन देखा तो उसमें से यानी कि कोई 600-700 यानी कि आवर जो हैं वो कम होकर दोबारा वो 3500 पे चले गए थे, या 30 इसी तरह हुआ। तो पहले आप इंश्योर कर लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें अपने चैनल को, कि जब तक वो एक जगह स्टेबल नहीं हो जाते, यानी कि 4000+ होने चाहिए, जब आप वो बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए, उसमें जो है वो डिक्रीज़ नहीं होने चाहिए। आप कुछ दिन ये वेट कर लें, ये ना हो कि आज ही कंप्लीट हुए और आज ही आप एप्लीकेशन पुट करना शुरू कर दें। आप कम अज़ कम एक वीक का जो है वो इंतज़ार करें, अगर एक वीक में जो है वो ड्रॉप होते हैं तो फिर दोबारा यानी कि लोग देखेंगे तो फिर वो दोबारा कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वो ड्रॉप होने हुए तो एक वीक के अंदर हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि वो स्टेबल हो गए हैं, और फिर आप गूगल ऐड के लिए जो है वो एप्लीकेशन पुट कर दें। तो कैसे एप्लीकेशन पुट करनी है चलें वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आके आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर यूट्यूब चैनल देख तो ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, और इसी तरह आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके दो तरीके हैं, यहाँ से आप अपने चैनल में भी यानी कि यूए चैनल में चले जाएं, तो यहाँ से आप यानी कि कस्टमाइज चैनल को जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका यानी कि यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा यानी कि इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से ये देखो मोनेटाइजेशन आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यहीं से आप क्लिक करें और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब स्टूडियो में चले जाएँ, तो इस तरह भी ये ओपन हो जाता है। तो जो आपकी मर्ज़ी आप उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये देखें यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन है। तो खैर हम यहाँ से जो है वो अपना मोनेटाइजेशन को क्लिक करेंगे, और इस तरह ये यहाँ पे उसने मुझे यानी कि आ रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, और यानी कि पब्लिक वॉच आर भी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और इसके अलावा टू स्टेप वेरीफिकेशन भी मेरी ऑन है, और इस तरह जो है वो मेरे यानी कि कोई यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई यानी कि मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं मिली अभी तक, तो इसको मैं अप्लाई ना करूँगा। और अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थ्री स्टेप्स जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स इसको आप स्टार्ट कर दें, और क्योंकि मेरे चैनल की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है तो वो सारा कुछ मुझे उर्दू में शो करवा रहा है, तो ये आपने पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करके और एक्सेप्ट टर्म्स कर देना है। तो ये अभी जो है वो यानी कि डन हो जाएगा, और उसके बाद जो है मुझे ये देखो डन हो गया है, और मुझे ये जो है वो स्टेप टू पे ले जाएगा। स्टेप टू पे आपने क्या करना है, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। अगर आपका ऑलरेडी जो है वो गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, वरना आपको जो है वो दोबारा एक क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ से पूछेगा आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं जो है वो एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करूँगा, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट जो है वो साइन अप करूँगा।
और इस तरह जो है वो यहाँ पे जो मुझे जो है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो वो मेरे चैनल का यहाँ पे वो यूआरएल आ गया है, और इससे मुझे पूछ रहा है गेट मोर आउट ऑफ येस सेंड मी कस्टमाइजेशन हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। चलो कोई बात नहीं, इसको यस कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री अटर, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये पाकिस्तान आ गया है। और अब मुझे यहाँ भी कह रहा है प्लीज़ व्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म एंड कंडीशन, तो ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं इसको पढ़ूँ, तो यस आई हैव रीड। अब आगे मैं जाऊँगा क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है अपने, और यहाँ पे आपने जो है वो अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर आपको यानी कि मैसेज आएगा, और इस तरह इसको सबमिट कर देना आपने। और यहाँ से आपको यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने पुट करना है। वेरिफिकेशन कोड का एंटर करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो कह रहा है कि वी आर रिडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब वेयर यू कैन कंटिन्यू योर सेटअप एंड स्टार्ट यूजिंग, तो यहाँ से मैं इसको रिडायरेक्टिंग कर दूँगा। अच्छा, ये अभी जो है वो इन प्रोग्रेस हो गया है, अभी ये आई थिंक जो है वो कुछ टाइम लेगा, तो जब ये यानी कि डन हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो जाएंगे। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट स्टेप था इसने तो यानी कि इमीजिएटली हो गया था, लेकिन जो स्टेप टू है इसने डन होने में ऑलमोस्ट मुझे लगी है 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर के बाद जो है वो ये भी डन हो गया। अब ये यानी कि स्टेप थ्री पे आ गया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम लोग यानी कि रिव्यू करेंगे चैनल को, और पहले पॉलिसीज बताई थी जिनको हम लोग अग्री करते हुए आ रहे हैं, तो उन सारी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो चैनल को चेक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल मेक यू अ डिसीजन यूजली विद इन अ मंथ, तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। मे बी ये डेज में हो जाए या वीक्स में, या यानी कि महीने के अंदर होगा, लेकिन यह कि विद इन मंथ हो जाएगा। सो ये आज थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप गूगल एडसेंस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आपका चैनल जो है फुल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप भी जो है वो डॉलर कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।